हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं बलजीत कौर और आप इस वक्त देख रहे हैं इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपनी लास्ट क्लासेस में हमने सीखा था सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी हम कर चुके हैं, लेकिन हमने सिर्फ क्लास 1 और 2 के लेवल तक का पढ़ा है। आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ही करेंगे और फुल फ्लेज पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देर आर बेसिकली 5 types of sentences, ठीक है। 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस, जिसे हम डेक्लेरेटिव या फिर स्टेटमेंट सेंटेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बोलते हैं। थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम कमांड सेंटेंसेस भी कहते हैं। फोर्थ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी घटना के होने या फिर ना होने का जिक्र हो। बेसिकली ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। राहुल प्लेज क्रिकेट, यानी राहुल क्रिकेट खेलता है। राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। दोनों में ही हमने एक स्टेटमेंट दे दी है, ठीक है, कि राहुल क्रिकेट खेलता है, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस किस में आते हैं? इस तरीके के सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे, और अगर वो नेगेटिव है, मतलब जिनमें ना या फिर नॉट जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उसे हम नेगेटिव के अंदर में डालें, ठीक है। एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं। यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यू आर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। तो आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी बोलते हैं। क्वेश्चन सेंटेंसेस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनमें हम क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न पूछते हैं। तो कोई भी सेंटेंस आपको अगर मिल जाता है जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो वो होता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इनकी पहचान क्या है? 2 तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। फर्स्ट, दे विल स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और ज्यादातर इनका जो आंसर होता है वो यस या फिर नो में होता है। जैसे कि क्या तुम वहां जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, या फिर क्या तुम कल स्कूल गए थे, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, या फिर क्या तुमने खाना खा लिया, हैव यू ईटन योर फूड, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे जैसे आर, डिड, हैव, ये सभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, और इनका ज्यादातर जो आंसर आएगा वो यस या नो, यानी हाँ या ना में आप उसका जवाब दे सकते हैं। अब दूसरे तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, और हिंदी में हमेशा ये बीच में आते हैं, सेंटेंसेस के मिडिल में आते हैं। तुम वहां क्यों गए थे, यहाँ पर क्यों बीच में आया है, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हम बोलेंगे व्हाई डिड यू गो देयर, व्हाई डिड यू गो देयर। तो व्हाई जो कि WH फैमिली का एक वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ गया, है ना। सेकंड, तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं WH फैमिली से जो वर्ड होते हैं वो स्टार्टिंग में आ जाते हैं, ठीक है, और हिंदी में हम जब उन्हें ट्रांसलेट करते हैं तो वो बीच में आ जाते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव, जिसे हम कमांड सेंटेंसेस भी पढ़ चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस में। इसमें अक्सर आज्ञा यानी कि कमांड, सुझाव, एडवाइस, सलाह, या फिर प्रार्थना, प्रस्ताव, ये सब जो वाक्य होते हैं, इन सब चीजों का अगर जिक्र होता है किसी वाक्य में तो उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि ज्यादातर ये स्टार्ट होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या फिर लेट से, ऑलवेज से, नेवर से स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर डोंट यानी डू नॉट से स्टार्ट हो सकते हैं नेगेटिव केस में, ठीक है।
और दूसरी खास बात इसमें ये है कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो छिपा हुआ होता है, और ज्यादातर केसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो होता है यू, यानी कि तुम। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ। अब इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, पर फिर भी हमें पता है कि हम सामने वाले को ये चीज बोल रहे हैं, तो सब्जेक्ट इसमें कौन हुआ? यू, यानी कि तुम लाइब्रेरी जाओ, यू गो टू लाइब्रेरी। ऐसे ही कम हियर, यानी कि यहाँ आओ, हम सामने वाले को कम हियर बोल रहे हैं, यानी इधर आओ, तो सब्जेक्ट इसमें कौन हुआ? सामने वाला, यानी कि यू, तुम यहाँ आओ, यू कम हियर। इसी तरीके से अगर सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे कि हम कह रहे हैं फूल मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स, इसमें भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो यू है। अगर हम किसी को बोल रहे हैं डोंट प्लक फ्लावर्स, इसका मतलब हम उसको यही बोल रहे हैं कि यू डोंट प्लक फ्लावर्स, तुम फूल मत तोड़ो, है ना। नाउ द फोर्थ काइंड इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे कोई भी वाक्य जिसमें कोई आश्चर्य की बात हो रही हो, या कोई शोक, प्रशंसा, या फिर घृणा की बात हो रही हो, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है? ये कि ये जब भी खत्म होते हैं तो इनमें हम एक्सक्लामेटरी साइन यूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके का ये जो एक्सक्लामेटरी साइन है इसे हम यूज करते हैं, या फिर इन सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में कोई ना कोई इंटरजेक्शन वर्ड यूज होता है, जैसे कि ओह, आई एम सो सॉरी, तो ओह जो वर्ड है दैट इज एन इंटरजेक्शन वर्ड, ठीक है। या फिर हुर्रा, वी वॉन द मैच, तो हुर्रा इज व्हाट? इज एन इंटरजेक्शन वर्ड, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस कौन से हुए? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। या फिर ऐसे कोई सेंटेंसेस जिनके पीछे एक्सक्लामेटरी साइन लग जाता है, जैसे कि व्हाट द क्रैप, मतलब क्या बकवास है, या फिर हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, इन सेंटेंसेस में या फिर आश्चर्य हो रही है, या शोक, या फिर प्रशंसा हो रही है किसी चीज की, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। नाउ द लास्ट टाइप इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, अब ये कौन से सेंटेंसेस हैं? ऐसे कोई भी वाक्य जिनमें प्रार्थना, आशीर्वाद, अभिवादन, वरदान, दुआ, बद्दुआ, अभिशाप, इस तरीके के वर्ड्स या इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आप देखते हैं तो उन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनकी पहचान ये होती है कि दे स्टार्ट फ्रॉम मे, ठीक है, MAY मे से स्टार्ट होता है, और इनके लास्ट में अक्सर एक्सक्लामेटरी साइन हम यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, ये आशीर्वाद कोई दे रहा है, या फिर मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। अब जब आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीख चुके हैं तो मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ। आपको मैं दूंगी 5 सेंटेंसेस, आपको बताना है कि वो कौन से सेंटेंसेस हैं, ठीक है। आप नंबरिंग डाल के उन सेंटेंसेस का नाम लिख सकते हैं। 5 सेंटेंसेस आर, फर्स्ट वन, व्हाई आर यू स्लीपिंग। सेकेंड वन, व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। थर्ड, राम इज अ गुड डांसर। फोर्थ, डोंट गो टू द मार्केट। फिफ्थ, मे यू अचीव योर गोल्स। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।